उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के द्वारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर एनएक्सी भवन के सभागार में पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने जनपद में अच्छी खेती करने वाले किसानों को सम्मानित किया, जिसके संबंध में पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और किसानों के बहुत हितैषी थे। उनकी जयंती के अवसर पर जनपद के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि आज भी देश में 75% आबादी गांव में रहती है और खेती करके जीवन यापन करती है। गांव में हमारा कैसे समृद्ध हो और उनकी आर्थिक स्थिति सही हो और किस तरह से वह मुख्य धारा से जुड़े, केंद्र और प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किसानों की आय दुगनी और उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए किसान सम्मान निधि भी बनाया गया है, जिसके माध्यम से देश के किसानों में किसान सम्मान निधि का पैसा उनके खाते में जाता है, जिससे किसान को खेती करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा। देसी गाय के गोबर को किस खेती के लिए प्रयोग किया जाता है? जब हमने अपने परंपरा को छोड़ा, उत्पादन बढ़ाया, परंपरा को छोड़ा, तो उसके साथ साथ जो हमारी 75% जनता जो है गांव में रहता है, गाय भैंस में है, दूध में है, मांस में, तब हो रहा है कि हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की प्राथमिकता हमारे देश में सुनिश्चित करना कि सभी को दूध मिले, तो उसके लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। और उस समय का उत्पादन बहुत कम था, आधा लीटर, एक लीटर, डेढ़ लीटर था, उसके लिए उत्पादन अधिक होता है। जैसे अगर कोई एक विदेशी नस्ल है और स्टेट इंडियन है, उसका 10.5 लीटर का उसका उत्पादन होगा। तो इस तरह से हमने जब हमारे यहाँ चला ट्रांसमिटिंग पॉलिसी, ऑपरेशन फ्लड परिणाम आया, उसका परिणाम ये आया जो हमारी देसी नस्लें हैं, हम उनका समर्थन नहीं कर पाए और उनको हम खुद आंचल आए कि हमें हमारी जो देसी गोबर है उन्होंने भी 2000 लीटर, 4000 लीटर दूध देने की क्षमता है, आज उनका समर्थन। सिंचाई में जल बचाव के लिए देखिए, चौधरी चरण सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और किसानों के बहुत ही हितैषी थे, किसान नेता थे वो। जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया था। उनके जयंती के अवसर पर जो है किसानों को उनके कार्य कुशलता के कारण जिस क्षेत्र में उन्होंने अच्छा कार्य किया है उस क्षेत्र में उन्हें जो है आज यहाँ पर उनके जन्म दिवस के अवसर पर पुरस्कृत करने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, हमारे किसानों की 75% आबादी गांव में रहती है और गांव में हमारा किसान कैसे समृद्ध हो, कैसे उसकी आर्थिक स्थिति सही हो, किस तरह से वो मुख्य धारा में जुड़े, उसका सम्मान बढ़े, और इस क्रम में हमारी सदैव केंद्र और प्रदेश की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, किस तरह से उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, इस दृष्टिकोण से किसान सम्मान निधि की जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है, मैं समझता हूँ कि किसानों को इस तरह की जो पीएम किसान जो योजना जो उन्होंने लॉन्च की थी, एक बहुत बड़ा ही मील का पत्थर साबित हुई है किसानों के लिए जो है। जब उन्हें अपने खेती के योग्य जब होती है, काम करने का जब समय आता है, तो पैसे का अभाव होता है। ऐसे समय में यह पीएम किसान सम्मान निधि जो है किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा, जो प्रधानमंत्री के जी के द्वारा जो योजना चलाई गई है वो बहुत ही अच्छी योजना है और सदैव ये सरकार किसानों के हित के लिए संघर्षशील है और किसानों के हित के लिए सदैव सोचने वाली ये सरकार कार्य करती है। और उसी दृष्टिकोण से किसान कैसे उस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य करें, उनका उत्साह वर्धन हो, उसके लिए उन्हें आज यहाँ पर सम्मानित करने का ये कार्यक्रम रखा गया है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर।